हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आज के दिन में एक वीडियो आ चुकी है जहाँ पर हमने टेक्निकल एनालिसिस का जो कार्यक्रम शुरू किया था उसका तीसरा पार्ट यहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर हमने सीक्रेट ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन से रिलेटेड बातें करी है। किस तरीके से यहाँ पर आप इसे सीखने के बाद किस तरीके से आप फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन से यहाँ पर बच सकते हैं, वो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको सिखाया गया है। आप यहाँ पर जाके वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो हमने शॉर्ट यहाँ पर बनाई है और यहाँ पर हमने एक चैनल शुरू किया है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर पता ही, हमारा चैनल एक बनाया गया है ट्रेडिंग दिल से। इसे जाके यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे ही यहाँ पर लिंक भी है और यहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें आपको डेली यहाँ पर शॉर्ट वीडियो एज वेल एज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से रिलेटेड यहाँ पर स्टॉक्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर टिप्स मिलती हुई दिखाई देगी कि किस टिप्स से आप यहाँ पर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम एक स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नेस्को। नेस्को ये पर्टिकुलर कंपनी है, इससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं और इसके पीछे बात करने का रीजन क्या है वो आपको आगे जैसे ही वीडियो में बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। नेस्को करती क्या है सबसे पहले हम जान लेते हैं। नेस्को एक आईटी बिजनेस पार्क टाइप में है। मतलब क्या है कि एक अगर देखेंगे इन द बिजनेस ऑफ लाइसेंसिंग प्रीमाइसेस इन आईटी पार्क बिल्डिंग एंड प्रोवाइड रिलेटिव सर्विसेज लाइसेंसिंग premises for exhibition and providing service for the organizers, manufacturing of machines and capital equipment and providing hospitality and catering services. तो जहाँ पर आप IT parks जाते हैं, ओके, और IT parks मतलब जहाँ पर भी जॉब से रिलेटेड पूरा एक हब होता हुआ दिखाई देता है, मुंबई में, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, हर बैंगलोर में, चेन्नई में, हर तरीके हर जगह आपको यहाँ पर IT parks मिल जाएंगे जहाँ पर ये अलग अलग तरीके की सर्विसेज, लाइसेंसिंग, प्रीमाइसेस ऑफ एग्जीबिशंस जो होते रहते हैं वो सब चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पर आपको पता चलती हुई नजर आएगी। देखिए, लाइसेंसिंग प्रीमाइसेस इन IT पार्क बिल्डिंग टू लार्ज MNCs, तो इसमें क्या है, यहाँ पर एक पूरी बिल्डिंग क्रिएट कर दी जाती है और यहाँ पर अलग अलग MNCs और अलग अलग कंपनीज आके यहाँ पर आप उस पे लीज पे या रेंट पे यहाँ पर लेते हुए नजर आते हैं और वहां से रेंट जो आता हुआ दिखाई देता है वो एक बड़े बड़ा अमाउंट पे आता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर बात करें MNCs जैसे HSBC, ओके, आपने बैंक का नाम सुना है, KPMG, ब्लैक रॉक एटसेट्रा, टावल 3 and 4 स्पेन अक्रॉस 62, और ये सारे के सारे दे रखा है कि यहाँ पर किस तरीके से कहाँ पर किस तरह यहाँ पर कितना बड़ा इनका एरिया है। इसके अलावा बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, देयर आर 5 halls, 1 grand halls एंड डाइनिंग बे इन द BEC विच इज रेंटेड आउट ऑफ द वेरियस एग्जीबिशन, तो उससे रिलेटेड हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर काम देते हुए नजर आते हैं, वो सब चीज़ यहाँ पर दे रखी है। इंट्रा बेटर, तो एक बार जाके इसे पढ़ लीजिएगा तो आपको सब चीज यहाँ पर एग्जैक्टली कंफर्म समझ में आ गई होगी। और बाकी बिजनेस की बात करें तो आई होप यहाँ पर बिजनेस आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सिंपल रेंट देते हुए नजर आते हैं। एक पर्टिकुलर स्टॉक सभी मार्केट में आया भी था ऐसा कुछ, जैसे यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर इस शेयर को बताने के पीछे रीजन क्या है कि एक काफी बेहतरीन रेंटेड बिजनेस यहाँ पर काम चलाता हुआ दिखाई देता है। मार्केट कैप की बात करें, माइक स्मॉल कैप कंपनी है, 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी 21 का है, इंडस्ट्री पी 22 का है, तो लगभग फ्लैट कह सकते हैं या कम कह सकते हैं कि हाँ शेयर यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई देता है। ROE 14 और 11% के आसपास है, ना ज्यादा है ना कम है, डेट फ्री शेयर है, दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट। एज वेल एज अगर हम यहाँ पर बात करें PEG/PZ रेशियो यहाँ पर बहुत ज्यादा दे रखा है, ये एक नेगेटिव फैक्टर होता है। इंट्रेंसिक वैल्यू 617 रुपए है, शेयर चल रहा है 572 रुपए, तो कहीं ना कहीं इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे चल रहा है और लगभग 700 रुपए से ये शेयर नीचे आते आते 572 पे यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए मार्केट में इतनी गिरावट हुई बट ये शेयर केवल और केवल 100 रुपए गिरता हुआ नजर आया, ये भी एक अच्छी बात है इस पर्टिकुलर शेयर के लिए, मतलब 20% के आसपास ही गिरता हुआ नजर आया, ज्यादा गिरा भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स लगातार बढ़ते हुए नजर आए और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देंगे 69% है जो कि हाईएस्ट एवर यहाँ पर दिखाई देता है इस पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ के। यहाँ पर देखिए ईयरली बेसिस और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा है। नेट प्रॉफिट की बात करें 54 करोड़ रुपए का है जो कि यहाँ पर ये दो साल को छोड़ रहे तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो है ये कोविड से पहले के है। और यहाँ पर कोविड से अगर हम बात करें तो देखिए एक करता क्या है, रेंट पे लीज पे यहाँ पर बिल्डिंग देता है, तो जैसे ही कोविड आया वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो जिनकी लीज खत्म हो गई होगी उन्होंने शायद अपने ऑफिस यहाँ पर खाली कर दिए होंगे और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आपको पता ही है काफी सारी कंपनीज दे रही है, आज भी देती हुई नजर आती है।
तो कहीं ना कहीं वहां पर इनको थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया होगा। बट जैसे जैसे ऑफिसेस वगैरह कोविड पूरा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ऑफिस खुलते हुए नजर आ रहे, तो दोबारा इनका जो बिजनेस है गियर अप होता हुआ नजर आएगा। ईयरली बेसिस पर देख सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके, यहाँ तक 2020 तक, 2021 में हमें पता ही है, 2022 में दोबारा पंप अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर बढ़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट तो 189 करोड़ रुपीज का है, जो कि यहाँ पर हाईएस्ट एवर दिखाता है। 2022 में अच्छा खासा कंपनी ने काम किया है। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व 1681 करोड़ के रिजर्व है, लगातार 10-11 साल से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 8 टाइम्स हो गए। बोरिंग कंपनी के पास नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, 47 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और वर्किंग प्रोग्रेस लगभग और भी कंपनी यहाँ पर कम करती हुई दिखाई दे रही है, 82 करोड़ रुपीज खर्च करें। कैश 7 करोड़ रुपए का, ज्यादा कैश है नहीं। इसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज बनी हुई है, बल्कि बढ़ाई है 68.54। FIs के पास लगभग 2%, DIs के पास 4.83। देखिए FIs भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं इस क्वार्टर में। पब्लिक के पास 24.64% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है, उनमें से एक इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्ट फंड्स, इनके पास 1.56% की होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करें तो FIs भी है, DIs भी है, प्रमोटर्स भी है, सब चीज यहाँ पर नजर आते हुए दिखाई देता है। अब इसके चार्ट पे आ जाते हैं तो देखिए, जैसे कि शेयर यहाँ पर गिरा नहीं है, शेयर यहाँ पर लगभग एक कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पर चला गया है और शेयर यहाँ पर अच्छा खासा नजर भी आता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ये शेयर अच्छा खासे रिटर्न फ्यूचर में आपको देते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसके चार्ट से रिलेटेड हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो नेस्को का चार्ट आपके सामने पेश है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2020 में स्टार्टिंग में जब कोविड आया था उससे पहले बात करें तो 813 रुपये पे शेयर था। उसके बाद यहाँ पर गिरने के बाद अभी जो भागा था तो 600 रुपये तक आपका मांग के चल रही है, 700 रुपये तक भागता हुआ दिखाई दिया था। और तब से यहाँ पर अगर बात करें कंसोलिडेशन फेज में, और मैंने अभी देखा है ऐसे बहुत सारे चार्ट है जो कि काफी कंसोलिडेशन फेज के बाद भागते हुए नजर आ रहे हैं आज यहाँ पर ये शेयर। तो ऐसे शेयरों की तरफ नजरें बना के रखी है जो अभी तक नहीं चले हैं और यहाँ पर चलने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो नेस्को वन ऑफ देम, नेस्को में से एक शेयर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, फॉलिंग वेज या ट्राइंगल टाइप में बन नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें इसके चार्ट की तो देखिए ये पर्टिकुलर लेवल यहाँ पर दिखाई देता है 516। 516 से गिरता है तो शेयर यहाँ पर थोड़ा सा बेकार हो सकता है। बट अभी जो बात करें यहाँ पर इस शेयर की, तो देखिए अगर कल की डेट में यहाँ पर एक बिल्कुल ही सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में खड़ा हुआ है, अगर ये अपने हाई को निकाल देता है ओके अच्छे खासे तरीके से, तो यहाँ पर ये शेयर 619 रुपए तक जो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर जा सकता है। और फिर उसके बाद ये ट्रिपल टॉप ओके या डब्ल्यू शेप यहाँ पर बनाता हुआ ऊपर की तरफ यहाँ पर जा सकता है और ये जो लाइन क्रॉस करी तो याद रखिए अच्छे खासे तरीके से ये शेयर भाग सकते हैं। ओके, और यहाँ पर अगर इस शेयर ने यहाँ पर 600 और 700 का लेवल निकाला तो इसमें एक तेजी होती हुई दिखाई देगी जो कि यहाँ पर 818 तक पूरा जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस शेयर की तरफ आपको ध्यान देना है। ओके, वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। ओके, जब भी यहाँ पर आपका मन करे इसके बारे में एक बार सोच सकते हैं, सोचेंगे उस केसेस में यहाँ पर अच्छे खासे पैसे भी बन सकते हैं। और अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो अगर ये अपने चले जाता है 42% के यहाँ पर रिटर्न मिलते हुए दिखाई देते हैं अगर ये 2020 के लेवल पे चले जाता है। अब बात कर ले 2020 के लेवल की, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट में गिरावट आई है ईयरली बेसिस पे 2020 के कंपैरिजन में, उसका रीजन हमें पता ही है। ओके, एज वेल एज यहाँ पर बात करें मार्जिन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं ये शेयर अब दोबारा अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। और एक बार परफॉर्मेंस दोबारा आई, रिजल्ट देख लीजिए, एक बार रिजल्ट आ जाए तो यहाँ पर शेयर अच्छे खासे रिटर्न्स भी देता हुआ नजर आ सकता है। तो नेस्को ये पर्टिकुलर शेयर है, इसकी तरफ ध्यान देना है। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।